कैसे आप लोग दोस्तों। तो मैं बात करने वाला हूँ जिस मूवी की आज, वो है ईटी मूवी। ईटी मूवी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बात करना चाहूंगा यार, इस मूवी की मतलब ना हाइप तो छोड़ो यार, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो मैं पूरी फिल्म पे बात करने वाला हूँ, आप अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा, मेरे चैनल पे जरूर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे। तो अब बात करते हैं ईटी मूवी की। तो स्टारर में हमारे सूर्या सर, और मुझे पता नहीं चल रहा ओटीटी पे इतने अच्छे सक्सेसफुल जो स्टार अभी हम जो बैक टू बैक पैन इंडिया पे दो फिल्म आई उनकी, जय भीम, उसके बाद एक सोनारू पोटरू, इस टाइप से जो मूवी थी जिसको हिंदी नाम उड़ान दिया गया था भाई, इतनी अच्छी जो इसकी मूवी थी ओटीटी पे हिट करने के बाद में, ब्लॉकबस्टर करने के बाद में, इस मूवी की हिंदी बिल्ट पे कोई प्रमोशन नहीं की गई, इतनी गंदी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग की गई है, फिल्म की कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं है हमारे स्टेट में। कहने का मतलब है जिस जगह पे मैं तो फाइनली रहता हूँ वहाँ पर इस फिल्म की हिंदी शो काफ़ी कम है, एक स्क्रीन एक सिनेमा पर मात्र ये फिल्म लगी है। अब अगर इधर की बात करते हैं हटा कर जो मूवी की डायरेक्ट अगर उस पर फोकस करते हैं, तो फिल्म पूरी की पूरी जो वन हैंडेड है वो कमर्शियल मूवी है, मास सेटअप किया गया फैमिली के रूप में। स्टोरी लाइन की बात करें तो जैसे कि वुमेन से काफ़ी सारे जो असॉल्ट किए जाते हैं, जैसे कि रेप या तो बर्न असॉल्ट, इस टाइप जो केसेस चलते हैं। और आपको मैं बता दूं जो सूर्या सर है वो हमारे जो मतलब कि एक एज अ लॉयर जो सर्वाइवल के रूप में इस मूवी में पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो बाद में ये वुमेन रिस्पेक्ट को बचाते हुए और कुछ इनके फैमिली में भी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं वुमेन्स रिस्पेक्ट पे, जिसके बाद ये पूरे सिंगल हैंडली उस केस को हैंडल करने के लिए आखिरी तक ये मूवी इसी पे डिपेंड करती है। और उस लास्ट में एक हार्डली सोशल मैसेज देके जाती है वुमेन रिस्पेक्ट पे, जो आपको पसंद आएगी क्योंकि फैमिली इंटरटेनिंग फिल्म है। और इस टाइप की मूवीज आपको अगर देखेंगे तो इमोशनल टच अगर नहीं हो तो आपको पसंद नहीं आएगी। मगर मैं आपको साफ साफ बोल दूं, फिल्म की फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं आपको ना सूर्या सर की स्टारर को शो करते हुए आएगी, जो उनकी कमर्शियल जो इमेज है उसको बताते हुए आएगी, मगर सेकेंड हाफ आपको इमोशनल टच करके भी जाएगी। बात करूं दोस्तों अगर फिल्म की दोनों साइड को मैं, कि क्या मुझे अच्छी लगी और क्या अच्छी नहीं लगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा जो अच्छी लगी मुझे, तो फिल्म की जो डबिंग है काफी बेहतरीन की गई है, उसके बाद में विजुअलाइजेशन जो है काफी अच्छी है। इस मूवी की जिस अराउंड इस मूवी को लिए गए सोशल मैसेज को जाके ये शो करती है, एग्जिस्ट करती है मूवी, वो भी काफ़ी अच्छी की गई है। अगर बात करूँ इस मूवी की अब मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगा इस मूवी की मैं बीजीएम की, बीजीएम मुझे पूरी फीकी लगी फिल्म में। बात करूँ अगर सेकेंड इसकी, तो वो है इसकी सॉन्ग्स की, हो सके जो तेलुगु सॉन्ग्स है उनको उस जगह पर अच्छी लगी, मगर मुझे तो फिलहाल अच्छी नहीं लगी। बात करूँ इस मूवी की तो स्टोरी लाइन प्रिडिक्टेबल है, आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं मूवी को देखते हुए कि ये फिल्म कहाँ तक जाने वाली है, क्योंकि जो इसकी स्टोरी लाइन है टिपिकल कमर्शियल मूवी है। और मास्क इस मूवी को मैं कितना स्टार देना चाहूंगा, तो 5 में 3 स्टार देना चाहूंगा। बाकी इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, किसी भी के साथ में जा सकते हैं, फिल्म में कहीं भी ऐसा कुछ आपको नहीं लगेगा कि आपके आंखों को वो चुभेगी। फिल्म आपको बेहतरीन एग्जिस्ट करवाएगी शुरू से लेकर एंड तक, आप लोग बिल्कुल जाके इस मूवी को देख सकते हैं। इसी के साथ में इस मूवी को मैं खत्म करता हूं। दोस्तों आपको क्या अच्छी लगती है इस मूवी के बारे में मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उसके बाद में मेरे चैनल वगैरह नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह के मूवीज के रिव्यूज अपडेट के लिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद बनने का मेरे चैनल पे दोस्तों, बाय बाय।